तो हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं? तो आप सब लोग को मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर बनाने के लिए दिखाऊंगा। तो वीडियो से एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना पैसा मत करना, तो जल्दी से लाइक और एक सब्सक्राइब करना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो में ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कल्टीवेटर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे कबाड़ से एक छोटा साइकिल का यहाँ पे रिंग ले लिया हूँ, देख सकते हो। फिर इसको मैं कुछ यहाँ पे एक छोटा छोटा पत्ती यहाँ पे मैं कट करके एल का पत्ती मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट करके यहाँ पे कुछ इस तरफ से वेल्डिंग करने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं कुछ इस तरफ से चारों तरफ से इस एल का पत्ती वेल्डिंग कर देता हूँ, कुछ इस तरफ से देखते थे। तो अगर वीडियो बना और म्यूजिक का मजा लो और चैनल नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर तो ऐसे इंडस्ट्री में देखो ना, कैसे देख पाऊँ? तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, तब तक मैं इसको कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं इस रिंग को यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे राउंड करके वेल्डिंग कर दिया, देख सकते हो। बहुत अच्छे से यहाँ पे घूम भी रहा है, देख सकते हो। कुछ इस तरह से मैं इसको वेल्डिंग कर देता हूँ मजबूती के साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे दो यहाँ पे मैं स्क्वायर शिप का मैं कुछ इस तरह से रॉड ले लूँगा, मतलब पाइप, देख सकते हो। फिर इसको तो कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा ना मोटर के लिए। फिर इसको मैं यहाँ पे कटिंग करके इसको बिठाने वाला हूँ। तो सेफ्टी फर्स्ट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे चश्मा एक पहन लिया हूँ, देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एंगल ग्राइंडर में काम कर रहा हूँ ना, तो इसलिए तो फटाफट से मैं इसको भी कटिंग कर लेता हूँ। फिर इसके बाद इसको बिठाएंगे, तो फटाफट से मैं इसको काट लेता हूँ। तो फाइनली मैं इसको कट करके कुछ इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, देख सकते हो। बीच बीच में तो मेरा यहाँ पे कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर इसको मैं यहाँ पे वीडियो नहीं के बना, तो इसके लिए सॉरी। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया। फिर इसको कुछ इस तरह से इसका पत्ती यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोटर भी तो लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए तो फटाफट से इसको भी मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया हूँ, देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे मोटर भी लगाना पड़ेगा, तो मोटर लगाने के लिए चलो मैं इस इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल बनाया हूँ ना, तो स्कूटी, तो इसका मोटर मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। तो फटाफट से इसको भी निकाल लिया हूँ, देख सकते हो। फिर इससे मोटर तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इसमें फिट तो नहीं होगा ना, तो इसके लिए एक यहाँ पे एंगल का आपको चाहिए। तो इस एंगल को भी मैं यहाँ पे बना लिया, देख सकते हो कुछ इस तरफ से, तो आगे से आपका यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। तो फटाफट से मैं इसको भी बना लिया कुछ इस तरफ से, देख सकते हो। फिर इसको भी यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे वेल्डिंग करके रखा हूँ। फिर इसके बाद इस मोटर को मैं यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देता हूँ फटाफट से। तो फटाफट से मैं भी इसको प्लस की मदद से इसको टाइट कर दिया हूँ। फिर तो यहाँ पे मोटर हमारा नगाला कंप्लीट होगा। फिर इस चक्के को भी हम यहाँ पे लगा करके देखेंगे इसमें अच्छे से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो फटाफट से मैं इसको भी लगा करके देख लिया हूँ, देख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली इस मोटर को मैं कुछ इस तरफ से फिट भी कर दिया हूँ, कि पहले मैं इसको स्क्रू की मदद से टाइट किया था, तो यहाँ पे हिल रहा था। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ तार यहाँ पे बांध दिया हूँ और इसको वेल्डिंग भी कर लिया हूँ। तो इसके फाल बनाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से फाल यहाँ पे बना लिया हूँ जो मिट्टी को यहाँ पे खोदेगा। तो कमस्थल में जाके मैं इसको भी कुछ इस तरह से तीन बना लिया हूँ। फिर इसको स्क्रू मतलब नड़वोल्ट की टाइट होल भी करना पड़ेगा ना, तो फटाफट से मैं इसको भी यहाँ पे होल कर देता हूँ। तो इस होल करने के पहले मैं इस फाल को जो यहाँ पे बिठाऊंगा ना, तो इसके लिए कुछ इस तरफ से मैं एक साइकिल का केरिया ले लिया हूँ, देख सकते हो। फिर इसको हम कटिंग करके कुछ इस तरफ से लगाने वाले हैं, देख सकते हो। तीन फाल हमारा लगाने वाले हैं, तो आगे में एक और पीछे में दो। तो फटाफट से इसको भी मैं यहाँ पे होल कर देता हूँ ड्रिल मशीन की मदद से। तो देख सकते हो यहाँ पे होल करने के बाद ऐसे साइकिल का हैंडल मैं इस एंगल में कुछ इस तरफ से यहाँ पे वेल्डिंग कर दूंगा, क्योंकि इसको यहाँ पे उठा के रखना पड़ेगा ना, तो फटाफट से मैं इसको भी वेल्डिंग कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पे होल्डिंग करने के बाद एक यहाँ पे केरियल इसको भी बना लिया हूँ, देख सकते हो। तो फिर इस फाल को भी मैं यहाँ पे होल करके ले आया हूँ, तो इसको यहाँ पे नट होल की मदद से मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो फटाफट से मैं इसको भी टाइट कर देता हूँ, आगे में एक और पीछे में दो। तो फटाफट से मैं इसको टाइट कर देता हूँ, तब वीडियो पे बने रहो और म्यूजिक का मजा लो, देखते जाओ कैसे कर रहा हूँ।
फाइनली मैं इस फल का जो यहाँ पे कुछ है ना, तो इसको भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाने देख सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से इसको टानेगा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसको हम फिट करेंगे इस एंगल में। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे एंगल में यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया हूँ। देख सकते हो जो यहाँ पे मोटर साइकिल का यहाँ पे हैंडल ना, तो इसको हम कट करके कुछ इस तरह से वेल्डिंग कर दिया हूँ। फिर इसके बाद मैं इस चक्के को भी यहाँ पे डायरेक्ट ही फिट कर दूंगा। तो पहले मैं इसको चैन लगा देने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं एक साइकिल का चैन यहाँ पे ले लिया हूँ। देख सकते हो तो पहले चैन को भी यहाँ पे घुसा देते हैं, फिर इसके बाद इस चक्के को भी यहाँ पे लगा देंगे। तो फटाफट से मैं इसको भी लगा दिया हूँ देख सकते हो। तो फिर इस चैन को भी हम मोटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हो तो बहुत अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर इस चैन को भी थोड़ा टाइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ढीला है ना, तो यहाँ पे बार बार चैन यहाँ पे निकल भी सकता है। तो फटाफट से मैं इस चैन की मदद से फटाफट से इसको हम टाइट कर देते हैं चैन को। तब तक वीडियो पर बने रहो। तो फाइनली हमारा चैन भी यहाँ पे लगाना हो गया कंप्लीट। देख सकते हो तो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। फिर इसके बाद इसकी पीछे को भी हम यहाँ पे फल लगाने वाले हैं। तो हम फल लिया है देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से इस फल का सीट भी हम बना लिए हैं देख सकते हो। तो फिर इस फल को जो यहाँ पे दोनों तरफ से दो रॉड निकला है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे होल कर दिए हैं देख सकते हो, तो उस एंगल में। फिर यहाँ पे नट बोल्ट की मदद से इसको भी टाइट कर देंगे। तो फटाफट से इसको भी हम कुछ इस तरह से फिट कर देते हैं। फिर इस मोटा वाला नट बोल्ट की मदद से इसको हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो फटाफट से इसको भी हम लगा देते हैं। तो वीडियो बना रहे और म्यूजिक का मजा लो, देखते जाओ कैसे कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा इस फाइल भी कंप्लीट हो गया देख सकते हो। तो नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं बहुत अच्छे से। तो इसको भी थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद टाइट कर लेंगे। तो फटाफट से मैं इसको भी मतलब एक रेंज की मदद से इसको टाइट कर देता हूँ इस नट बोल्ट को। फिर यहाँ पे एक जगह में यहाँ पे फिट हो जाए। फिर इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल का हम चाहिए। तो इस हैंडल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी जो बनाया हो ना, तो इसको इस हैंडल को मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ। फिर इसको हम कुछ इस तरह से फिट कर दिए हैं देख सकते हो। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे फिट भी हो गया। फिर इसको हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो पकड़ पाएंगे ना, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर इसको हम इस नट को भी यहाँ पे टाइट कर देंगे एक सिलेंडर की मदद से। तो फटाफट से इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर दें। फिर इसके बाद एक कंट्रोलर और एक बैटरी भी यहाँ पे हम फिट कर दिए हैं देख सकते हो बहुत अच्छे से। और एक यहाँ पे एक्सीलेटर भी कुछ इस तरह से हैंडल में हम फिट कर दिए हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा और कम देख सकते हो। तो यहाँ पे एक हम चार्जिंग पिन भी लगा दिए हैं चार्ज करने के लिए कुछ इस तरह से देख सकते हो। फिर एक ऑन ऑफ करने के लिए एक की भी लगा दी है। फिर इसके बाद एक हम कुछ इस तरह से ढक्कन बना लिए हैं। फिर इस कंट्रोलर और बैटरी को हम यहाँ पे ढका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भी यहाँ पे भीतर में ढुक सकता है और हमारा कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो फटाफट से इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सब लगाना कंप्लीट हो गया, मतलब कनेक्शन रेडी हो गया। फिर इसको हम यहाँ पे बाहर में जाकर टेस्टिंग करते हैं। तो चलो इसको हम बाहर में जाकर टेस्टिंग करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम एक खेत में चले हैं देख सकते हो। तो ये हमारा खेत है, तो इसमें हम यहाँ पे हरी मिर्च का खेत कर रहे हैं देख सकते हो। फिर इसको हम यहाँ पे खोदेंगे देख सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे खोद भी रहा है, अच्छे से काम भी कर रहा है। तो वीडियो को सलाह कमेंट करके बताओ हम यहाँ पे खोद